गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सोमवार को रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल की गई। एसपी रेलवे डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में स्टेशन एवं यात्रियों की सुरक्षा हेतु मॉक ड्रिल के अभ्यास के दौरान बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, आरपीएफ व रेलवे के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के दौरान जीआरपी को सेट पर सूचना मिला कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक संदिग्ध बैग पड़ा हुआ है, जिस पर सतर्कता दिखाते हुए जीआरपी ने खोजी कुत्ते की मदद से बैग को खोज निकाला और बैरिकेटिंग करके उस बैग को चेक किया तो उस बैग में फिलहाल कुछ ऐसी संदिग्ध सामान नहीं मिला। इस प्रकार जीआरपी व आरपीएफ की टीम को मॉक ड्रिल करके सतर्क रहने का एसपी रेलवे ब्रिजेश सिंह ने निर्देश दिया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस उपाधीक्षक रेलवे रचना मिश्रा, जीआरपी थाना प्रभारी उपेंद्र श्रीवास्तव सहित पुलिस के अन्य जवान मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक रेलवे डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने जीआरपी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रियों की सुरक्षा हेतु निर्देशित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रेलवे डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह ने कहा, नंबर 5 एट 16:20 गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स ट्रेन नंबर 02555 गोरखधाम सुपर फास्ट स्पेशल वाया गोंडा जंक्शन लखनऊ। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन यात्रियों का स्वागत करता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 05103 गोरखपुर मंडुआडी इंटरसिटी स्पेशल के मार्ग से मंडुआडी 05103 गोरखपुर मंडुआडी इंटरसिटी स्पेशल के मार्ग से मंडुआडी को जाने वाली 16:20 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से रवाना होगी। ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए एक बैग लावारिस मिला था, जिसके संबंध में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें हमारी सारी जो टीमें ऐसी इमरजेंसी पीरियड में जो टीमें लगती हैं सारी टीमें आईं। डॉग स्क्वाड आया, BDDS टीम आई और बहुत ही सफलतापूर्वक, जैसा कि आप लोगों ने देखा, उन्होंने एक डिवाइस रिकवर की और उसको निष्क्रिय किया। ये पूरी टीम जो है इसी तरीके से लगातार 27 जनवरी तक लगातार सघन चेकिंग चलेगी प्लेटफॉर्म पे, सर्कुलेटिंग एरिया में आरपीएफ की टीम, जीआरपी की टीम, हमारे जिला पुलिस के जो टीम है वो भी सारे लोग एक साथ सारी चेकिंग कर रहे हैं
और ये चेकिंग बदस्तूर चलती रहेगी ताकि रेलवे पे जो भी यात्रा कर रहे हैं, जो भी यात्री हमारे हैं, सुगम तरीके से अपनी यात्रा को संपन्न करें। ये लगातार प्रयास जारी है। जीआरपी पुलिस, आरपीएफ की टीम सभी की सेवा में, सभी यात्रियों की सेवा में तत्पर रहेगी। साथ ही महिला हेल्प डेस्क लगातार महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए, जो भी उनकी समस्या है उनके समाधान के लिए लगातार 24 घंटे तत्पर रहेगी। गणतंत्र दिवस को देखते हुए जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उस पर लगातार ड्यूटियाँ रहेंगी। हर पे हमारे दो दो कांस्टेबल्स रहेंगे, साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया जो हमारी है सभी सब इंस्पेक्टर साथ दो दो कांस्टेबल लगातार मोबाइल रहेंगे। साथ ही जो भी अप एंड डाउन की ट्रेनें हैं उसके अंदर लगातार चेकिंग चल रही है, किसी प्रकार की किसी यात्री को असुविधा ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। थैंक यू।